दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बेहतरीन से हाउस प्लान के। अगर आपका भी गांव में घर है और आप नया घर बनवाना चाहते हैं गांव में, मतलब कि जहां पर आपके पास ज़्यादा जगह है, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो रोड, मतलब कि एक फ्रंट में रोड है और एक साइड में रोड है, जो आज हम प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इसी प्लान को आज हम डिस्कस करेंगे। आपने हमारा थंबनेल भी देखा होगा, तो पूरा बेहतरीन सा मॉडल होने वाला है ग्राउंड फ्लोर, और इसका पूरा डिटेल हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका 2D प्लान चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जरूर विजिट करें। वहाँ पर जाकर आप आसानी से इस प्लान को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलो आज के प्लान को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन सा प्लान हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये पूरा स्क्रीन मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप कंप्यूटर पर देखिएगा। मैं इसे मैक्सिमम जूम करता हूँ, जैसे आपको प्रॉपर फ्रंट एलिवेशन दिख सके। दोस्तों ये सामने वाला डिजाइन है। बात करें साइड का, तो आप साइड से इधर देख सकते हैं, क्योंकि इधर भी रोड यहाँ पर दिया हुआ है, इस वजह से मैंने स्टेयर्स वगैरह लगा रखी हैं। अगर आपका रोड नहीं है तो आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं, ये स्टेयर्स भी हटा सकते हैं, लेकिन इनका रोड था, इस वजह से मैंने स्टेयर्स और ये बारंदा का डिजाइन, साथ साथ विंडो का डिजाइन भी यहाँ पर दिया है वेंटिलेशन के लिए। तो ये एक बेहतरीन सा कॉर्नर का हाउस प्लान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यू शेप में डिजाइन बारंदे का जो मैंने बनाया है, एक बेहतरीन सा लुक के साथ। आगे ये गांव में दोस्तों जो खफरेल का डिजाइन होता है, उसको भी मैंने एल शेप में दिया है। यही आपका घर में एक एक्स्ट्रा चीज है। बात बाकी बिल्कुल दोस्तों सिंपल मॉडल है, लो बजट मॉडल है। केवल अगर आप ये बनवाते हैं तो ये आपका कुछ एक्स्ट्रा है, बात बाकी सिंपल सा आपका लो बजट हाउस डिजाइन है। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसके अगर हम साइज की बात करें तो 35x35 35x35 फुट में बना है। 35 फ्रंट है, 35 गहराई है। टॉप व्यू अगर आप ऊपर से देखना चाहेंगे तो ये मॉडल आपको ऐसा दिखेगा। ये दोस्तों मैंने गुमटी बना रखी ऊपर, जो स्टेयर्स है उसको ढकने के लिए, इसमें बरसात में पानी वगैरह ना जाए। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ प्लांटेशन वगैरह कर रखा है, जिसमें घर आपका और एक बेहतरीन सा लगे। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो सबसे पहले जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचेंगे तो आप ये मॉडल देख पाएंगे, देख सकते हैं ग्राउंड से आपको ऐसा दिखेगा। मैं चारों तरफ से आपको जो है दिखा देता हूँ, टर्न करके रोटेट करके, इसे प्रॉपर दिख सके। ये टॉप व्यू आपका घर है। अभी मैं बारी बारी से आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। आप पहले सिर्फ मॉडल देखिएगा टॉप से, मतलब ऊपर से अगर आप अपने घर को देखेंगे तो ऐसा दिखने वाला है। फ्रंट से आपका मॉडल ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हैं। मैं जूम करता हूँ, इधर आपका गेस्ट रूम है जिस पर एक विंडो मैंने दिया है, और ये बारंदे, बारंदा काफ़ी बड़ा था, इस वजह पिलर दिए हैं और यू शेप में यहाँ पर दिया है। इधर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मॉडल होने वाला है, ये देखिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें एंट्री कैसे होगी। तो देखिए एंट्री दोस्तों आप इस रोड से भी कर सकते हैं, हालांकि मेन डोर यहाँ पर है, मेन एंट्री ये होगी। तो आप इधर से कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। ये तीन पिलर है, उस पर यू शेप का डिजाइन है, और इधर एक बेडरूम है, उसमें भी मैंने एक यू शेप में ही विंडो का जो आपका कवर्ड है उसको दिया है, देख सकते हैं इसका। जैसे आप अंदर जाते हैं तो आप बारंदे में पहुंच जाते हैं, काफ़ी बड़ा बारंदा है। टॉप से मैं दिखाता हूं, ऊपर से काफ़ी बड़ा बारंदा आपका होने वाला है। इस बारंदे में आने के बाद आपकी यहीं से एंट्री होगी। तो पहले हम इस रूम को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये गेस्ट रूम है, तो गेस्ट रूम में एक फ्रंट से मैंने विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, हवा वगैरह जाती रहे। बारंदे से भी विंडो दिया है, अगर आप इसे देना नहीं देना चाहते तो हटा भी सकते हैं। एक बारंदे से मैंने डोर दिया है जिससे आप एंट्री कर पाएंगे इस बेडरूम में, देख सकते हैं बारंदे से अगर आप एंट्री करना चाहते इधर। एक अंदर भी डोर दिया है जिससे आप इस डोर को ओपन करके अंदर जा सके। इसके बाद मेन डोर आपका ये है, जहाँ से मेन एंट्री आपकी होगी। तो जैसे मेन एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप अपने आंगन में पहुँचते हैं। इसके बाद ये आपको एक बेडरूम देखने को मिलता है। ये बेडरूम दोस्तों साइड से मैंने विंडो दिया क्योंकि साइड से रोड था, फ्रंट से बारंदे से भी एक डोर दिया है, अगर आप नहीं देना चाहते तो हटा सकते हैं। बारंदे से भी आप एंट्री कर सकते हैं बेडरूम, अंदर से भी एंट्री कर सकते हैं। दोनों साइड से मैंने डोर दिया है और बारंदे पर भी एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद ये दोस्तों जो एरिया है इधर कॉर्नर पर, ये बड़ा सा किचन मैंने बनाया है, डोर और इस कॉर्नर पर विंडो, प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा किचन का, आप देख सकते हैं। इसके बाद राइट हैंड में इस कॉर्नर पर एक बेहतरीन सा बड़ा सा आपका बेडरूम बना है, इधर आपकी स्टेयर्स हैं जिससे टर्न होकर आप ऊपर जाएंगे। उसी के नीचे लेट एंड बाथ क्रिएट किया है, स्टेयर्स के नीचे बाथरूम बनाया है। लेट बाथ आप बना सकते हैं, हालांकि गांव में लोग बाथरूम लेट अब बाहर बनाते हैं, तो बाथरूम आप इसे कंसिडर करिएगा। तो इस मॉडल में तीन बेडरूम, एक गेस्ट रूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम, तीन बेडरूम, ये पूरा डाइनिंग एरिया, एक किचन,
लेट बाथ, स्टेयर्स और एक बड़ा सा बारंदा आपको देखने को मिलता है 35x35 के हाउस डिजाइन में। आप देख सकते हैं टू साइड क्लोज्ड है और टू साइड ओपन है। आप इधर से भी दिखा दूं मैं आपको, प्रॉपर चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बहुत ही खूबसूरत प्लान आपको सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बात करता हूँ उसके लास्ट फ्लोर की। जैसा कि आपको मैंने भी दिखाया था, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, इधर स्टेयर्स जो थी जीना तो उसको ढक दिया है और उस पर छत बना दी है। चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, जितना एल शेप था जो बारंदे है उस पर मैंने केवल ग्रिल लगाई है, देख सकते हैं। और ये वाला जो इधर गेस्ट रूम था उसका जो ग्रिल है वो 3 फीट आगे से लगा है, बाद बाकी इसका बिल्कुल सिमिलर लगा है उसी अलाइनमेंट में, बस इसको 3 फीट आगे कर दिया, छज्जा टाइप का निकाल दिया। और ये दोस्तों स्टील की ग्रिल दिया है, अगर आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ग्रिल लगवाना चाहते हैं। ये दोस्तों ये जो आपकी एक लीप पत्ती टाइप की दिख रही है, ये दोस्तों मैंने केबल डिजाइनिंग के तौर पर बनाई है। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो ना बनाइए, आप पे डिपेंड करता है। तो ये ओवरऑल बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी होता है आपके सामने। तो दोस्तों अगर आप इस मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मॉडल आपको कैसा लगा आप हमें ओपिनियन जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं पेड सर्विस भी चलाता हूँ, अगर आप किसी भी प्रकार की घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके सामने नक्शा बनाएंगे। और आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने दोस्तों व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रखे, आप मुझे वहाँ पर जुड़ करके आप हमसे चैट भी कर सकते हैं। पूरा डिटेल मैंने इस वीडियो का आपको बता दिया, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल से आप जरूर जुड़ जाएँ जिससे आपको भविष्य में ऐसे ही नक्शे मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।